हम बात करेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 370 पर ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.7% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो 12% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल की अगर बात करें तो यहाँ पर 0.74% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। कंपनी को लेकर अपडेट आया, कंपनी के क्वार्टर फोर की जो अर्निंग्स है उसके नंबर आए हैं। अगर अपन बात करें कंपनी के रिजल्ट क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर को अगर कंपेयर करें तो क्वार्टर थ्री के अंदर कंपनी की जो टोटल इनकम है 198 करोड़ थी, वो बढ़कर 270 करोड़ हो गई, यानी 36% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 33 करोड़ था, जो कि ₹0.53 करोड़, यानी 98% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर 2.14 से कम होकर 0.03, यानी अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट 98.60 के आसपास देखने को मिली है। पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 155 करोड़ थी, वो बढ़कर 270 करोड़, यानी 74% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 136 करोड़ था, वो 0.53 करोड़, यानी 99.61% की गिरावट नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर 8.88 रुपीज़ था, जो कि 0.03 रुपीज़, यानी 99.66% की गिरावट अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिली है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023, फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है 408 करोड़ का था, वो बढ़कर 659 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट 154 करोड़ से कम होकर 101 करोड़, 34% की गिरावट इसमें देखने को मिली। अर्निंग पर शेयर 9.96 से कम होकर 6.55 रुपीज़ देखने को मिल रहा है, 34% की इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। यानी कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑब्वियसली आपको एक अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव आपको देखने को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्ट।